बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे, हियर वी गो, 9.1.2, 9.1.2। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, स्टेटमेंट ये है कि टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, अगर दो एंगल ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है देन देन दी साइड्स देन दी साइड अपोजिट टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। कि अगर दो एंगल ट्राइंगल के कॉन्ग्रेट है तो जो साइड उनकी अपोजिट साइड है एंगल्स की वो भी कॉन्ग्रेट होगी। तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल बी कॉन्ग्रेट एंगल सी के, इसमें हमारे पास अब गिवन है हमारे पास एन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, ये हमारे पास गिवन है। अब हमने क्या करना है टू प्रूव, हमने प्रूव करना है कि जो ये साइड है ना, इस एंगल की अपोजिट साइड, एंगल सी के अपोजिट साइड साइड ए बी है, साइड ए बी है जो एंगल सी के अपोजिट साइड है, और जो साइड ए सी है ये साइड एंगल बी की अपोजिट साइड है। हमने प्रूव ये करना है कि ये दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रेंट है। अगर एंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके सामने वाली साइड भी आपस में कॉन्ग्रेंट हो, तो ये हम चीज हमने प्रूव करनी है। तो प्रूव हमें करना है साइड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू साइड ए सी। अब कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे कि एंगल जो ए है इससे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, एंगल ए की बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो लाइन बी सी को टच करेगा पॉइंट डी पे। एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, इससे दो एंगल फॉर्म होंगे वन एंड टू, और ये वन टू आपस में बराबर होंगे। तो इस वजह से ये लाइन बी सी को टच करेगी पॉइंट डी पे। इसको हम लिख लेते हैं ड्रॉ ए डी बी बाय सेक्टर ऑफ एंगल ए, के ए डी ड्रॉ करो लाइन जो बाय सेक्टर है एंगल ए का, मीटिंग मीटिंग डी सी, मीटिंग लाइन बी सी एंड पॉइंट डी एंड पॉइंट डी, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एंगल ए का जो लाइन बी सी को टच करे पॉइंट डी पे। तो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, इससे दो एंगल बनते हैं जो बराबर होते हैं, एक एंगल वन और एंगल टू। अब इसका प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। इसमें हमारे लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट होती है, राइट साइड पे रीजन होता है। तो सबसे पहले इधर हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल है ए बी डी और दूसरा ए सी डी, तो इन दोनों में कॉमन सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल क्या है ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों के दरमियान हमने कॉन्ग्रेस फाइंड करनी है। तो कॉन्ग्रेस का हमारा सिंबल ये होता है, पहली कॉन्ग्रेस इन दोनों में क्या है, जो एंगल बी है वो एंगल सी के कॉन्ग्रेट है, एंगल बी इज कॉन्ग्रेट टू एंगल सी,
ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है पहले पॉइंट पे। दूसरा है हमारे पास ये जो साइड ए डी है, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, सेम साइड है दोनों ट्राइंगल में। तो मेनिंग साइड ए डी इज कॉमन टू साइड ए डी, कॉमन है। इसका दूसरा भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी कांग्रेस, आइडेंटिटी कांग्रेस। आइडेंटिटी कांग्रेस क्या होता है कि हर हर साइड या हर एंगल अपने आप के बराबर होता है, तो उसकी कांग्रेस कहते हैं आइडेंटिटी कांग्रेस। ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी, ये साइड ए डी इज इक्वल टू ए डी, इसको कहते हैं आइडेंटिटी कांग्रेस। वैसे इसका ये भी लिख सकते थे कॉमन साइड, जस्ट कॉमन भी काफी है, कॉमन साइड इज बोथ ट्राइंगल। तीसरा हमारे पास पॉइंट है जो एंगल वन फॉर्म हुआ और एंगल टू फॉर्म हुआ है, ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि जो लाइन बाइसेक्टर ए डी है वो एंगल ए को दो बराबर एंगल्स में डिवाइड कर रही हो, एंगल वन और एंगल टू। ये हमारे पास कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से, एंगल वन इज कॉमन टू एंगल टू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर जब हमारे पास ये आ गया एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो देयरफॉर हमारे पास ट्राइंगल ए बी बी कॉन्ग्रेट है ट्राइंगल ए सी डी। ये हमारे पास कहाँ से आ गया, एंगल साइड एंगल पॉस्टुलेट से, तो फ्रॉम एंगल साइड एंगल पॉस्टुलेट। तो यह हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेट है। जब दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेट होंगे तो इनकी जो एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी ये भी आपस में कॉन्ग्रेट होगी, इसलिए देयरफॉर साइड ए बी इज कॉन्ग्रेट टू साइड ए सी बाय दी कॉन्ग्रेस ऑफ ट्राइंगल्स। ये चीज हमने प्रूव कर दी थी। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल के दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस फाइंड की, एक एंगल बराबर है एक साइड बराबर है, तीसरा एंगल बराबर है, तो हमारे पास एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेट प्रूफ हो गए। पहले इनको कॉन्ग्रेट प्रूफ किया, और जब कॉन्ग्रेट प्रूफ हो गए तो जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी बराबर होंगे। तो हमने ये इसी तरीके से हमने साइड ए बी को साइड ए सी के बराबर प्रूफ किए।